तो स्वागत है आपका की टू सक्सेस एकेडमी में। मैं हूं प्रिंस शर्मा और आज हम बात करेंगे आर्यंस की सोसाइटी के बारे में। तो आर्यंस जो रहते थे वो ट्राइब फॉर्मेशन में रहते थे। इनके जितने भी ट्राइब्स होते थे वो बेसिकली कुछ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंतर्गत रहते थे। जो ट्राइब्स या कबीले होते थे वो बेसिकली जहां एक साथ रहते थे उसको वो बोलते थे ग्राम। ग्राम का जो हेड होता था उसको बोलते थे ग्रामिणी। ऐसे कई सारे ग्राम मिलकर के विश बनाते थे और विश का जो हेड होता था उसको बोलते थे विशपति। ऐसे कई सारे विश जो थे वो मिलकर के जन बनाते थे और जन का जो हेड होता था उसको या तो जनपति कहते थे या गणपति कहते थे। ऐसे कई सारे जन या गण मिलकर के जनपद बन जाते थे। उसका जो राजा होता था उसको उस समय पर राजन कहते थे या कहते थे गोपा। गोपा उसको बेसिकली इस वजह से कहते थे क्योंकि वो बाकी की जितनी भी उनकी कम्युनिटी थी या जो उसकी प्रजा थी उसकी और उसके जो कैटल्स थे उनकी सुरक्षा कर सके। किंग को असिस्ट करने के लिए, राजा की मदद करने के लिए तीन प्रमुख अधिकारी होते थे, जिनमें पहला नाम आता है पुरोहित का। पुरोहित यानी कि प्रीस्ट, ठीक है। दूसरा जो पर्सन उसकी हेल्प करने के लिए होता था वो होता था सेनानी, या कहा जाए चीफ आर्मी कमांडर, मुख्य सेनापति। तो ये कौन होता था? सेनानी, युवराज यानी कि क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस, युवराज। ये तीनों मिलकर के किंग को असिस्ट करते थे प्यूपल के लिए, यानी लोगों की मदद करने के लिए ये असिस्ट करते थे। बदले में जो प्यूपल होते थे वो इनको भरते थे टैक्स। तो लोग इनको भरते थे टैक्स। ये जो टैक्स था ये दो टाइप का था, एक कहलाता था भाग और दूसरा कहलाता था बलि। जो भाग होता था वो बेसिकली कंपल्सरी होता था, ये कंपल्सरी टैक्स होता था, ये तो देना ही देना है। जबकि बलि जो होता था वो टेम्परेरी था, ये जो था वो टेम्परेरी टैक्स था। बलि कोई भी कम्युनिटी का पर्सन अपनी इच्छा से जो एक्स्ट्रा देना चाह रहा था, जब सरप्लस हो जाता था या अपनी इच्छा से देना चाहे तो उसको बलि कहते थे। जबकि भाग जो था वो 1/8 पोर्शन था, 1/8 तो उसको अपनी उपज का देना ही था। तो यहां पर इनकी जो ट्राइब्स थी उस ट्राइब्स की जो पॉइंट्स नोट करने के लिए हैं, वो जो सोसाइटी के कुछ खास पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि उस टाइम जो किंग था वो ऑटोक्रेटिक नेचर का नहीं था, मींस एक छत्र शासन नहीं था राजा का। उस समय जो भी किंग होता था उस किंग को प्रीस्ट, चीफ आर्मी कमांडर सेनानी और क्राउन प्रिंस की बात को मानना पड़ता था। साथ ही साथ वहां पर कभी भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, जो आम पब्लिक थी वही आर्मी का रूप लिया करती थी। किंग के ऑटोक्रेटिक ना होने से कुछ असेंबलीज होती थी जिन असेंबलीज का उसको पालन करना होता था। वो असेंबलीज बेसिकली तीन लेवल की थी, एक थी आपकी सभा, समिति और विधाता। सभा, समिति और विधाता। जो सभा होती थी, सभा बेसिकली एल्डर्स और
जो हेड होते थे फैमिली के उनके लिए ओपन रहती थी, ये वरिष्ठ लोगों के लिए होती थी, जबकि समिति जो थी वो सभी के लिए ओपन थी, ओपन फॉर ऑल, ये सभी के लिए ओपन थी, इंक्लूडिंग वुमेन्स और चिल्ड्रन, बच्चे बूढ़े औरतें सभी इस समिति में आते थे। और जो विधाता होती थी वो विश्व लेवल की थी, ठीक है, जबकि ये दोनों जो थी ग्राम लेवल पर आती थी। विश्व में विश्व लेवल पर जो विधाता थी, विधाता बेसिकली बाकी के सारी चीजें देखती थी, जैसे डेवलपमेंट, एनमी, एनमिटीज वगैरह, इन सारी चीजों का काम जो था वो विधाता का होता था, जबकि जो समिति होती थी, समिति बाकी के सारी चीजों पर डिस्कशन करती थी, जनरल असेंबली होती थी ये दोनों, सभा और समिति। जो किंग था ऑटोक्रेटिक नहीं था, किंग को इन दोनों ही कमेटीज की बातों को सुनना पड़ता था। उस दौरान जो सोसाइटी थी उसके जो की फैक्टर्स थे वो कुछ ये थे कि जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्चल थी, पैट्रियार्चल का मतलब पितृ सत्तात्मक थी, जो पूरी फैमिली का लाइनेज होता था वो पिता के नाम पर चलता था, मतलब पिता का नाम जो था वो आगे चलता था। उस दौरान जो सोसाइटी थी, आर्यंस की जो सोसाइटी थी, उसमें वर्ण सिस्टम देखने को मिला, हमें ये वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है। अच्छा, वर्ण जो थे वो कौन कौन से थे? वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दस्यु या दास, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दास, ये पांच वर्ण इन्होंने हमको देखने को मिलते हैं। जो वर्ण होते थे, वर्णों का क्लासिफिकेशन या तो कॉम्प्लेक्शन के बेस पर होता था या होता था ऑक्यूपेशन के बेस पर। कॉम्प्लेक्शन मींस रंग रूप जो था उसके बेसिस पर, तो रंग रूप के बेसिस पर दो टाइप से क्लासिफिकेशन था, एक था आपका श्वेत वर्ण और दूसरे थे आपके कृष्ण वर्ण। जो आपके श्वेत वर्ण होते थे उनको वो बोलते थे आर्यन, जो आर्य लोग थे वो खुद को श्वेत वर्ण मानते थे, जबकि जो नॉन आर्यंस थे उनको कहा जाता था कृष्ण वर्ण, ठीक है। कृष्ण वर्ण क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो काले होते थे। अब यही अगर बात देखी जाए तो नोट करने लायक पॉइंट ये थे कि उस टाइम पर जो वर्ण थे वो चेंज किए जा सकते थे। वर्ण ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी थे, तो अगर आप ऑक्यूपेशन चेंज करते हैं तो उस दौरान आपका वर्ण भी चेंज हो जाएगा। उस दौरान कोई भी सोशल टैबू नहीं था, सोशल टैबू मतलब कोई भी समाज में कुप्रथा नहीं थी। कुप्रथाओं में सबसे बड़ी जो कुप्रथाएं आज की डेट में चल रही हैं, जैसे दहेज, सती प्रथा, बाल विवाह, ये उस समय पर एक भी सोशल टैबू देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहां पर इंटरवर्ण मैरिज पर भी कोई टैबू देखने को नहीं मिला। वुमेन्स जो थी उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी शादी को लेकर के, इंटरवर्ण मैरिज चल जाती थी और साथ ही साथ वहां कोई सोशल इविल नहीं थी। यहां पर कई सारे हमें एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं वैदिक पीरियड में, जहां पर कई सारी जो फीमेल्स हैं, फीमेल स्कॉलर्स हैं, वो आती हैं। यहां पर हमें स्वयंवर जैसी चीजों का भी उल्लेख देखने को मिलता। उस टाइम की अगर इकोनॉमी की बात करी जाए तो इकोनॉमी उस टाइम पर बेसिकली पेस्टोरल थी, मींस उस टाइम की जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली चरवाहे वाली थी, जानवरों पर लोग डिपेंड थे। उस टाइम पर पूरी तरीके से एक विलेज कल्चर था। कैसा कल्चर था? विलेज कल्चर आ गया था, जबकि हड़प्पन कल्चर जो था वो ज्यादा ऐसे मॉडर्न था। फिर जब ये जो क्रॉप्स उगाते थे उसमें बेसिकली चावल, गेहूं और जौ आते थे, जिनको व्रही, गोधूम और यव के नाम से जानते हैं।
इनको हम किस नाम से जानते हैं? व्रेही, गोदुम और यव। साथ ही साथ उस समय जो इकोनॉमी थी उसमें गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के रूप में किया जाता था, गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन होता था, जिसमें गोल्ड को निशिक बोलते थे, निशिका, और सिल्वर को बोलते थे हम सतमान। क्या बोलते थे हम? सतमान बोलते थे सिल्वर को, जबकि निशिका किसको बोलते थे? निशिका ये बोला जाता था स्वर्ण। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि इनकी इकोनॉमी किस तरीके से काम करती थी। अब हम बात करेंगे इनके रिलीजन को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।